नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं कुछ खास खबरों की शुरुआत। कहने को तो पूरे भारत में स्वच्छ अभियान चल रहा है और जो शहर गांव सबसे ज्यादा स्वच्छ साफ सुथरा होगा उसे इनाम भी दिया जाएगा, जिसकी होड़ पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। पर खातेगांव नगर के वार्ड क्रमांक 15 में स्वच्छ अभियान का पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि अब मंदिरों में जाने के रास्ते पर भी नाले का पानी भरा नजर आ रहा है। ऐसा ही एक मामला नगर के राम मंदिर के पास देखने को मिला। दर्शन करने वाले भक्तों ने बताया, ये वर्षों पुराना प्राचीन मंदिर है। यहां आए दिन बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं, पर मंदिर के गेट पर एक हफ्ते से नाले का पानी भरा है, उसे पार करके दर्शन करने जाना पड़ता है। जिम्मेदारों को अवगत करा दिया पर कोई सुनने वाला नहीं है। एक हफ्ता बीत गया ऐसी परेशानी उठाते हुए। अब देखने वाली बात यह होगी कि खबर दिखाने के बाद भी जिम्मेदार जागते हैं या फिर दर्शन करने वाले भक्तों को इसी तरह परेशानी उठानी पड़ेगी। मैं पंडित गोविंद प्रसाद व्यास, श्री राम मंदिर पुजारी। 200 साल पुराना प्राचीन मंदिर है, जो 8 दिन से नगर पालिका वाले और सभी से कह रहे हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं है। कल भी वहाँ नगर पालिका में मैं गया, ना तो अध्यक्ष का पता है और ना सीओमओ का पता है। मैंने पूछी कि सीओमओ साहब कहाँ गए, कि गौतमपुरा गए। मतलब तो मैंने कि ठीक है, मतलब मैंने कि वहाँ मंदिर के वहाँ पानी भरा रहा है लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना कोई सुन रहा है। मतलब और पूरी सब की मतलब और अयोध्या में राम मंदिर की बात कर रहे हैं मतलब बनाने की, और खातेगांव के राम मंदिर की व्यवस्था नहीं हो रही, साफ सफाई नहीं हो रही, तो ये अयोध्या में क्या मंदिर बनाएंगे। मतलब आगर जिले के बड़ौद में अज्ञात कारणों के चलते खेत पर आग लग गई। मवेशी के खाने का चारा और भूसा जलकर खाक हो गई और टपरी में भी आग लग गई, जिसमें कृषि उपकरण आग में जले बड़ौद के भेरूलाल कुमावत का है। ये खेत नगर परिषद बड़ौद की फायर ब्रिगेड और निजी टैंकर खेत के आसपास के किसानों की मदद से आग पर काबू पाया गया है, अन्यथा आग से काफी और भी नुकसान हो जाता। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। आग का कारण अभी अज्ञात बताया जा रहा है। अब क्या हुआ, हमारे कुएं पे अज्ञात कारणों से आग लग गई है। हाँ? और इसमें बहुत सारा हमारे कृषि का सामान और बहुत सारा चारा है, पशुओं का चारा है, भूसा है और लकड़ी के ये गाय बैलगाड़ी का सामान है। हाँ? और चद्दर है, बांस है, बल्लियां है, बहुत सारे सामान हमारा बहुत नुकसान हुआ है। वो पाइप का बोल रहे थे ना, और कृषि उपकरण के सामान पाइप वगैरह सब जले हुए जी। एक दो पशुओं को थोड़ी सी हानि हुई तो उनको तो हमने छोड़ दिया जल्दी से आगे तुरंत, और हमारे आस पड़ोसी आ गए थे जी। उन लोगों का बहुत सहयोग रहा। हाँ। बहुत ही सहयोग रहा नगर पालिका की, मतलब फायर ब्रिगेड भी आ गई है। हाँ। और प्राइवेट टैंकर भी दो एक बुलवा लिए हैं, उससे हमारा। अच्छा, ये सब आया जब आग पे काबू पाया गया? हाँ, ये सब आया, उसके बाद नियंत्रण पाया गया, नहीं तो आग तो विकराल रूप धारण कर चुकी है। हम कार्यक्रम एक राजस्थान में पास के विलेज में हम ग्राम में कार्यक्रम में गए थे। हाँ। हमको तत्काल आग की सूचना हुई तो हम तुरंत दौड़ के वहाँ से आए, इतने आग बहुत फैल चुकी थी। अच्छा। भी नगर पालिका और नगर पंचायत का अच्छा सहयोग रहा है। हाँ। और आस पड़ोसियों का हमारा बहुत बढ़िया सहयोग रहा, उससे हमारी आग पर नियंत्रण पाया गया। अच्छा, उसके लिए सभी का धन्यवाद सर। अच्छा, तो कारण क्या सर? अज्ञात कारणों से हुई, हमको कोई पता नहीं कारण। अच्छा, हमारी कोई किसी से रंजिश भी नहीं है। अच्छा सर, तो ये आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम प्रकाश कुमावत है, हमारे पिताजी का नाम भेरूलाल जी कुमावत है सर। अच्छा, तो आपका ही निजी कुआ है? जी जी, हमारा पितृक कुआ है। तो बड़ौद कस्बे में आता है सर? जी, बड़ौद कस्बे में लाल माता मंदिर के पास में हमारा कुआ है सर। जी सर, सर देवास जिले के खातेगांव थाना क्षेत्र के ककरदी के पास एक कार पलटने से उसमें सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी तेज रफ्तार में थी, इसी दौरान अचानक उसका टायर फट गया और वो पलट गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए खातेगांव के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीथमपुर पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि बाजार में अश्लील वीडियो डाउनलोड कर बेचने का व्यापार काफी फलफूल रहा है। इस अश्लील वीडियो के व्यापार की जद में आकर कई नाबालिग बच्चे जुर्म के रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं। इन्हीं अश्लील वीडियो को बाजार में बेचने वाले गिरोह पर पीथमपुर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करी और पीथमपुर के आईसर चौराहे पर स्थित क्लीनिंग मोबाइल गैलरी दुकान के संचालक को अपनी गिरफ्त में लिया और पुलिस ने दुकान पर रखे कंप्यूटर को भी जब्त किया, जिसमें बड़ी संख्या में अश्लील वीडियो का संग्रहण किया गया था। वहीं ये आरोपी इन अश्लील वीडियो को बाजार में 50-50 रुपए में सीडी और मोबाइल में अपलोड करके बेचते थे। पीथमपुर पुलिस ने अश्लील वीडियो के व्यापार में लिप्त आरोपियों के खिलाफ आईटी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। सूचना मिली कि पीथमपुर में कुछ मोबाइल गैलरी वाले लोग अश्लील फिल्में और वीडियो डाउनलोड करके लोगों को वितरित कर रहे हैं, तो मुखबिर सूचना पर हमने जो है आयशर चौराहे पर क्लीनिंग मोबाइल शॉप के ऊपर दबिश मारी। दबिश मारने पर पाया कि उन्होंने अपने कंप्यूटर के सीपीयू में कुछ अश्लील वीडियो और मूवी पॉर्न मूवी रख रखी थी, जो 50-50 रुपये में बच्चों को जो है डाउनलोड करके दे रहा था। तो दबिश मार के उसकी जांच करके उनको पकड़कर उनके खिलाफ धारा 292 IPC और 67 IT एक्ट में कार्रवाई की है और दुकान संचालक
को हमने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को लेकर कितना चिंतित है, इसका उदाहरण आपको लटेरी में देखने को मिलेगा, जहां 3-3 दिन में किसान अपनी फसलों को लेकर मंडियों में पड़े हैं, लेकिन 3 दिन के बाद भी किसानों की फसलों की तुलाई नहीं हो पा रही है। वही किसानों का कहना है कि हमारे द्वारा दूसरों के वाहनों से फसल मंडी तक लाई गई है, लेकिन 3-3 दिन तक फसलों की तुलाई नहीं हो पा रही है, और ना ही यहाँ खाने की व्यवस्था है और ना ही यहाँ बैठने की और पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। 1 दिन में 100 मैसेज किसानों को किए जा रहे हैं। 100 मैसेज को देखते हुए मंडी में पूर्ण व्यवस्था ना होने के कारण यहाँ किसान परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जिसकी ना तो समय पर सोसाइटी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण तुलाई हो पा रही है और ना ही मंडी में किसानों के लिए कैंटीन की व्यवस्था है। थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 19वां सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत ट्रैफिक नियमों के संबंध में जानकारी थाना प्रभारी सुदामा प्रसाद शुक्ला द्वारा दी गई एवं क्षेत्र में फैले अतिक्रमण पर चर्चा कर अतिक्रमण हटाने का फैसला लिया है। साथ ही वाहनों पर लगाने के लिए बैठक में उपस्थित लोगों को स्टिकर एवं पंपलेटों का वितरण किया गया है, जिसमें ट्रैफिक नियमों संबंधित जानकारी उपलब्ध है। इस मौके पर SDM अशोक कुमार मांझी, SDOP फूल सिंह परस्ते एवं शहर के तमाम वरिष्ठ नागरिक गढ़ एवं पत्रकार साथी उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए TMT News। दीजिए इजाजत, नमस्कार।